बीजेपी के नेता भले ही ये दावा करते हैं कि आगामी चुनाव में भी पार्टी 2014 जैसा कमाल दिखाएगी, देश की जनता बीजेपी को एक बार फिर सत्ता की चाबी सौंपेगी, लेकिन सच तो ये है कि आगामी चुनाव से पहले बीजेपी को हार का डर सताने लगा है। तभी तो 2019 के चुनाव के लिए पार्टी ने बड़ी रणनीति तैयार की है, जिसके तहत बीजेपी ने कई मंत्रियों समेत करीब 150 सांसदों का टिकट काटने का प्लान बनाया है। आगामी चुनाव से पहले बीजेपी की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। कई राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे साफ साफ बयां कर रहे हैं कि मोदी मैजिक अब कम हो गया है। यहां तक कि विदेशी एजेंसियां भी अब दावा कर रही हैं कि बीजेपी की लोकप्रियता दिन ब दिन घटती जा रही है। ऐसे में बीजेपी अब लोकसभा चुनाव के लिए फूक फूक कर कदम रख रही है। आगामी चुनाव के लिए पार्टी ने बड़ी रणनीति तैयार की है, जिसके तहत बीजेपी ने कई मंत्रियों समेत करीब 150 सांसदों का टिकट काटने का प्लान बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, केंद्रीय मंत्री उमा भारती, राधा मोहन सिंह और पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष करिया मुंडा समेत कई लोगों को दोबारा मौका देने के मूड में नहीं है। हालांकि सभी के टिकट काटे जाने की अलग अलग वजह बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी सुषमा स्वराज को जहां बीमारी की वजह से टिकट देने से वंचित कर सकती है, तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते। वहीं कई वरिष्ठ सांसदों को अधिक उम्र का हवाला देकर टिकट नहीं दिए जाने की बात भी सामने आ रही है। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के नाम भी शामिल है। बताया जा रहा है कि जिन 150 सांसदों के टिकट काटे जाने की आशंका है, उनमें से अधिकांश बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बड़े चेहरे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।